स्टूडेंट्स, आज प्लस टू मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन बोर्ड के मॉडल पेपर से। और एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूपीएससी सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ये तो 2 tan 10 inverse x प्लस 10 inverse x³, सबसे पहले इन दोनों में 10 inverse x प्लस 10 inverse y का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। 10 inverse x प्लस 10 inverse y, और ये अपना हो जाएगा 10 inverse। फॉर्मूला बार बार आपको लिखने की अभ्यास कर लेना चाहिए। फॉर्मूला जितनी बार भी अपन लिखते हैं उतना ही अपना वो कंठस्थ हो जाता है। अंदर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो 2 tan inverse, और ये हो जाएगा 10 inverse x प्लस x³ और 1 minus x into x³। ये आपके ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ये हो जाएगा 2 tan inverse। ये सॉरी, बाहर तो 10 ही है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 2 tan, और अंदर आपका है 10 inverse। चलिए, और ये x कॉमन आ जाएगा, 1 plus x² और नीचे 1 minus x की पावर 4 है तो 1 minus x² और 1 plus x² ये पूरा है। 10 और 10 inverse एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास, और 1 plus x² है, ये 1 plus x² को कैंसिल कर देगा तो ये आपका हो जाएगा x और 1 minus x² यानी 2x upon 1 minus x² ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, प्रूफ में भी पूछ लिया जाता है कि ये आपको इसके बराबर प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर, बी की वैल्यू दी हुई है 2x2 मैट्रिक्स में, हमें 3a² - 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जिन्हें लगता है कि अपने आप निकाल सकते हैं वो अपना निकाल करके और अपना आंसर चेक कर लें, और कोई डाउट है उसको समझ भी लें साथ के साथ। ए की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 2 3 - 1 2, और 2b, बी की वैल्यू पुट कर देंगे 0 - 1 4 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए का ए से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 4 और -3। पहली जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, यानी ये आपकी हो जाएगी -2 और -2, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से यानी 6 प्लस 6, 3 को 2 से किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर इसी तरह से दूसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से करेंगे यानी -3, और 2 को 2 से किया 4, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 0 8, -2 और 7 दूनी 14। चलिए यहाँ इसको पहले अंदर हल कर लें, 1 - 4 12, और ये आपका आया था -3 थे और +4 थे तो ये आपका आ गया 1। और इधर ये चल ही रहा है 0 8 - 2 14। अंदर गुणा कर लेते हैं, 3 - 12 और ये 36 और ये 3, 0 8 - 2 और 14। संगत अवयवों को आपस में घटा लेंगे, 3 में से 0 3, -12 - 8 मिलकर के बन जाएंगे -20, 36 में से -2 माइनस होगा
माइनस माइनस प्लस यानी 38, और 3 में से हम 14 को घटाएंगे तो ये बच गया माइनस का 11। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हमने टेकल कर दिया और 2 या 3 नंबर में ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक 3×3 क्रम की डिटर्मिनेंट सारणिक दी हुई है, इसमें हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स सारणिक, उपसारणिक और सहखंडज सहखंड प्राप्त करने हैं फर्स्ट रो के। तो हमारे पास में आई जे ए आई जे जो कोफैक्टर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं -1 आई प्लस जे एम आई जे। आई स्टैंड्स फॉर रो कौन सी पंक्ति में है और जे कौन से स्तंभ में है, कौन से कॉलम में है। तो सबसे पहले M11 इक्वल टू 1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उनको हम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे जिस सीक्वेंस में ये हैं, और -2 और -10 टोटल हो गया -12। अब A12 A11 1+1 और -12 तो ये भी आ जाएगा -12 क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। फिर M12 1-2 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे, बाकी को नोट कर लेंगे 4, 3, 2, 2 तो ये हो जाएगा A12 1+2 (2) और ये हो जाएगा -2 M13 13 ये पोजीशन है, तो जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है उनको छोड़ देंगे, बाकी को लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका 20+3 (23) A13 = -1^(1+2) 1+3 और 23, 1+3 यानी 4 तो ये वापस 23। तो अंतर किस में आया, अंतर आया M12 और A12 में, क्योंकि 1+2 एक ऑड नंबर होती है, एक विषम संख्या होती है, इसलिए -1 के ऊपर विषम संख्या लगाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चिन्ह बदल गए हैं, बाकी जो 1-1 है उनमें दोनों की वैल्यू सेम है, 1-3 है वहाँ पे भी कोफैक्टर्स और माइनर्स की वैल्यू सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x = x - greatest integral value of x) ये एक विशेष फलन है, स्पेशल फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर 2.5 जहाँ पे है वहाँ से लेफ्ट साइड से यदि हम आए तो सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो कौन सा आया है, तो 2.5 तक जब आप पहुँचेंगे तो उससे पहले 2 इंटीग्रल वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो आपकी है वो 2 है। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि 1.3 तो ये हो जाएगा 1, इसी तरह से अगर इंटीजर ही पूछ लिया जाए तो सेम, इसी तरह से यदि नेगेटिव वैल्यू दे दें कि -1.5 तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि -2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जहां -1.5 है उससे लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा वो माइनस में होगा। अब आसानी से हम इसको कर लेंगे, तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी सांतत्य की शर्त कहती है कि 3 के ऊपर संतत होगा यदि ये 3 चीज़ें हमें इक्वल मिले,
कि लेफ्ट लिमिट, ये हमारी लेफ्ट लिमिट है, ये हमारी राइट लिमिट है, और ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है। तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें एक्स की जगह 3 माइनस एच, माइनस 3 माइनस एच, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। 3 माइनस एच 3 से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो ये 3 से छोटा है। 3 से छोटा है तो इट मीन्स इससे पहले जो इंटीजर आया है वो है 2। तो इसकी जो वैल्यू है 3 माइनस एच माइनस 2, एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगी 1। इसी तरह से 3 प्लस एच, एच टेंस टू 0, वो हो जाएगी 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। 3 प्लस एच 3 से बड़ा है, दाईं ओर होगा। और जब इसमें दाईं ओर है तो इसका मतलब 3 इससे पहले आ चुका है, और 3 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, एच टेंस टू 0, और ये हो गया आपका 0। तो और F3 निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है, और ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट होने के कारण हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर संतत्य नहीं है, संतत्ता नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे और बता देते हैं। जैसे ये आपका 3 है, और यहाँ पे आप इमेजिन कर लेंगे 3 माइनस एच, यहाँ पे आप इमेजिन कर लेंगे 3 प्लस एच, और हमें लेफ्ट से राइट की ओर आना होता है। तो 3 माइनस एच है वो 3 से पहले आ चुका है, इसलिए 3 माइनस एच के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। 3 प्लस एच है वो बाद में आता है 3 के लिए, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगी। बस ये एक समझने की बात है। चलिए आज के क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप दोबारा लिख करके और रिपीट कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।